गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय किल्ला पायडी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देन वी डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने देखा था, लाइक सरफेस। सो दोनों सरफेस किस तरह से फ्रिक्शन को इफेक्ट करती है उसके बारे में हमने देखा था कि अगर सरफेस स्मूथ हो एंड कैसी हो, क्लीन, ओके, तो क्या होगा कि फ्रिक्शन कम होगा, एंड सरफेस अगर रफ हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। सो टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। सो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि फ्रिक्शन से हमें क्या होता है, कभी कभी हमें फ्रिक्शन से नुकसान होता है, ओके। हम जब चलते हैं तो हमारे सैंडल या फिर चप्पल या शूज के शॉल क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन से घिस जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे फ्रिक्शन से नुकसान होता है, लाइक व्हीकल्स के टायर। व्हीकल्स के टायर आप देखोगे कि टायर्स एंड रोड की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिससे कि टायर क्या हो जाता है, घिस जाते हैं। तो बहुत सारी जगह पे फ्रिक्शन से नुकसान होता है, बट फ्रिक्शन बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, तो क्यों, ये हम आज डिस्कस करेंगे। रिकॉल नाउ सम योर एक्सपीरियंस, इज इट इजियर टू होल्ड अ कलार मीन्स एर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। सो कल्हार को या फिर ग्लास टम्बलर को होल्ड करना क्या इजी है? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रेजी। सो ग्लास टम्बलर का आउटर सरफेस, बाहर का एरिया कैसा हो, ग्रीजी, ओके, ग्रीज आपने देखा होगा, वो एकदम कैसा होता है, एकदम सॉपी टाइप का, और हैज अ थीन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। सो कुकिंग ऑयल भी आपने देखा होगा कैसा होता है, एकदम ऑयली होता है, जिससे कि वो होल्ड हम उसे नहीं कर पाते। वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? सो ग्लास टम्बलर को हम ऐसे नॉर्मली होल्ड कर सकते हैं, बट उस पर अगर ग्रीस लगाया हो या फिर कुकिंग ऑयल लगाया हो तो हम इजीली उसे होल्ड नहीं कर पाते। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? सो क्या किसी भी मटेरियल में, ओके, ग्लास टम्बलर में ही नहीं बट किसी भी मटेरियल में अगर फ्रिक्शन ना हो तो उसे होल्ड कर पाना पॉसिबल है? सपोज मैंने ये पेंसिल हाथ में पकड़ी है, होल्ड की है, बट सपोज यहाँ इसमें क्या है कि पूरा ये ऑयली है, ओके, इतना सारा ऑयल इस पर लगाया गया है तो हम इजीली उससे होल्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जो पेंसिल है उसके बीच में, हमारे हैंड के सरफेस के बीच में, हमारे फिंगर के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम उसे इजीली होल्ड नहीं कर पाएंगे। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। सो हम अगर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो एकदम मडी ट्रैक हो, ओके, मीन्स कादव कीचल वाला एरिया हो, एंड वेट मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर जो कि गीला हो। जैसे आपने देखा होगा घर में भी अगर हम क्या करते हैं, पोछा मारने के बाद हम उस पर इजीली
नहीं चल सकती। कैन यू इमेजिन बींग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन? सो जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो वहाँ पे हम चल भी नहीं पाते, बिकॉज हमारे फीट की सरफेस एंड जिस जहाँ पे हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ओके तो उस ट्रैक एंड हमारे फीट की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से हम इजीली चल पाते हैं। सपोज हम रोड पे चल रहे हैं तो हम इजीली चल पाएंगे, बट हम अगर मार्बल फ्लोर जो कि सॉपी हो या वेट हो तो उस पर हम इजीली नहीं चल पाते, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन। वैन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। सो जब हम लिखते हैं, ओके हमने कुछ भी लिखा, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा फ्रिक्शन, सो ये फ्रिक्शन मैंने लिखा तो ये भी किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज पेंसिल के जो पॉइंट है एंड ये पेज की सरफेस है, दोनों के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ एंड जिसकी वजह से मैं राइट कर पाई। तो उसी तरह से हम जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड की सरफेस पे चॉक रब होता है एंड उससे क्या होता है, चॉक के कुछ पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड पे स्टिक हो जाते हैं एंड हम लिख सकते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? अगर चॉक एंड बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम जब लिखते हैं तो चॉक में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बोर्ड एंड चॉक के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है एंड हम जो लिखते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। ओके इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन। सो जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम जब ब्रेक लगाते हैं साइकिल का तो क्या होते हैं, साइकिल स्टॉप हो जाती है, बट अगर हम जब ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल के टायर एंड जो ब्रेक पैड होता है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है एंड वो स्टॉप हो जाती है, बट अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट वो स्टॉप नहीं होता। सपोज ये पेंसिल मैंने यहाँ से छोड़ दी, ओके तो ये अगर इसके अपोजिट फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो ये स्टॉप नहीं होगी। ओके बट वो की सरफेस एंड पेंसिल के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। आप इजीली ये सुनाई दे रहा होगा आपको कि इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो अगर टायर के सरफेस एंड रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो स्टार्ट भी नहीं हो सकते, स्टॉप भी नहीं हो सकते एंड टर्न होके डायरेक्शन भी उनका चेंज नहीं हो सकता। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। सो नेल को मीन्स कील को अगर वॉल में फिक्स करना हो तो भी क्या होता है, वॉल की सरफेस एंड नेल की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है जिससे कि इजीली वो अंदर जा सके और टाई अ नॉट। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। सो फ्रिक्शन के बिना कोई भी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन से क्या होता है, शूज के सॉल घिस जाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टू, इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज बॉल बेयरिंग और सॉल्स ऑफ शूज। You must have been worn out step of foot overbridge at railway station. So, आपने देखा होगा कि ये जो examples दिए हैं, screw, ball bearing और sole of shoes,
तो उसमें फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो घिस जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्क्रूज, मशीन में जो स्क्रूज लगाए जाते हैं वो उसमें भी फ्रिक्शन होने की वजह से वो घिस जाते हैं। बॉल बेरिंग भी आपने देखा होगा, फैन में जो बॉल बेरिंग लगा होता है वो भी घिस जाता है जिसकी वजह से फैन में आवाज़ होने लगती है। एंड शूज, सो आप देख सकते हो कि आपने देखा भी होगा कि आप रेलवे स्टेशन पे इजीली नहीं चल पाते बिकॉज फ्रिक्शन कम होता है। एंड वेट फ्लोर पे आप भी इजीली नहीं चल पाते बिकॉज ये जो शॉल है उसके बीच में एंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता जिससे कि हम इजीली नहीं चल पाते। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। प्लीज अंडरलाइन दैट। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। विगोरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। सो हमें क्या करना है, हमारे पाम्स, हथेली हमारी इस तरह से रब करनी है थोड़ी देर तक। ओके, आपने देखा होगा हम अगर ठंडी में भी इस तरह से पाम को रब करेंगे तो क्या होगा, हमारी पाम गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। ओके, हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करोगे? हीट फील करोगे। वेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट मैच फायर। सो हम अगर मैच स्टिक को उसके रफ साइड में उसके जो साइड में क्या होता है रफ सरफेस उस पे रब करेंगे तो स्टिक क्या होगा, फायर कैच कर लेगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन। सो हम अगर इस तरह से पान को, हथेली को घिसेंगे, ओके, रब करेंगे, देन मैचस्टिक को रब करेंगे, या फिर हमने मिक्सचर जार, मिक्सचर तो हम सबके घर पे होता ही है, तो मिक्सचर जब हम चलाते हैं, मिक्सचर जार जब क्या होता है चलता है तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यू कैन काइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। सो आपने देखा होगा कि फैन, फैन भी जब चलता है एंड थोड़ी देर बाद आप फैन के सरफेस पे हाथ रखोगे, बंद करके, फैन को बंद करके आप फैन के सरफेस पे हाथ रखोगे तो क्या होगा, फैन आपको हीट फील होगा। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको कलेक्ट करने हैं एंड अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड काउज विच मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सो जब मशीन भी चलते हैं तो वो हीट जनरेट करते हैं। ओके, वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। सो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फ्रिक्शन जरूरी है एंड बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे फ्रिक्शन हमें क्या करता है, यस, लॉस करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रिक्शन नेसेसरी है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हमें कहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाहिए एंड कहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। मीन्स जहाँ पे हमें फ्रिक्शन जरूरी नहीं है तो वहाँ पे हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। थैंक यू।